नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये एक डाउट आया है, ये बेंजामिन ने पूछा है। बेंजामिन चेन्नई के रहने वाले हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के एक डाउट है, एक सिस्टम है, एक सेटअप है, उस सेटअप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है। तो सेटअप में क्या कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको देखना है। फोर सॉलिड स्फीयर्स ईच ऑफ डायमीटर अंडर रूट 5 सेंटीमीटर एंड मास 0.5 kg आर प्लेस्ड विद देयर सेंटर्स एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है और उसके चारों कॉर्नर्स पे एक एक सॉलिड स्फीयर रखा गया है, ठीक है। और सॉलिड स्फीयर इस तरह से रखा है ताकि सॉलिड स्फीयर का जो सेंटर है वो स्क्वायर के कॉर्नर पे लाई करता है। तो इसको अगर हम ड्रॉ करें तो पहले एक स्क्वायर बना लेते हैं। ठीक है, इस तरह से स्क्वायर है और इसके चारों चारों कॉर्नर्स पे चार स्फीयर रखे हुए हैं। ठीक है, इस तरह से। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये स्क्वायर्स ये जो स्फीयर हैं, स्फीयर का मास दिया है आपको, इनका डायमीटर दिया है, रेडियस भी फाइंड कर लोगे, और ये जो स्क्वायर है उसकी आपको साइड भी गिवन है, ठीक है। फिर कह रहे हैं द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट द डायगोनल। किसी एक डायगोनल के अबाउट, मान लें ये डायगोनल अगर ले लें तो इस डायगोनल के अबाउट, तो अगर हम ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से होगा। इस तरह से इस डायगोनल के अबाउट, इस डायगोनल के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई, वो आपको क्वेश्चन में दिया है। वो किस तरह का दिया है, वो दिया एन इंटू 10^-2 -4 kg इंटू मीटर स्क्वायर। kg इंटू मीटर स्क्वायर होता है, ये m² + 2 होगा, ठीक है। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया, तो आपको ये जो एन है इस एन की वैल्यू आपसे पूछी है। तो बेसिकली क्या है, इस सिस्टम का इस डायगोनल के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, ठीक है। तो किसी सॉलिड स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अपने अपने डायमीटर के अबाउट, वो होता है 2/5 mr², ठीक है। तो इस सॉलिड स्फीयर का इस लाइन के अबाउट कितना हुआ, 2/5 mr². इस सॉलिड स्फीयर का इस लाइन के अबाउट कितना हुआ, 2/5 mr². फिर इस सॉलिड स्फीयर का इस लाइन के अबाउट फाइंड करने के लिए क्या लगाएंगे हम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। हम एक डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे, उस डायमीटर के अबाउट जो डायमीटर इस एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में हम कैसे निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वो होता है ICm + m×d². ढंग से समझना, अगर ये डिस्टेंस यहाँ से, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डी है, इसका मास एम है, और इस सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICm है, तो इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस स्फीयर का, तो वो होगा ICm + m×d², ठीक। और यही इस स्फीयर का होगा इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि यहाँ पे सिमेट्रिक सिचुएशन है, यहाँ पे भी हम एक सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस कंसिडर करेंगे जो एक्सिस इस एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। एक ऐसा डायमीटर कंसिडर करेंगे जो डायमीटर इस एक्सिस के क्या है, पैरेलल, और ये सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ICm, वो 2/5 mr² होता है, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों एक्सिस के बीच में, ये भी इस तरफ क्या होगी, डी। तो इसके अबाउट कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो होगा ICm + m×d², ठीक है। तो मैं अगर नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूँ चारों स्फीयर्स का, तो इस स्फीयर का कितना है, 2/5 mr², इसका भी कितना है, 2/5 mr², तो इन दोनों का सम करके ये हो गया 4/5 m×r² प्लस इस स्फीयर का अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लें इस एक्सिस के अबाउट, तो उसको डबल कर देंगे तो इस स्फीयर का भी ऐड हो जाएगा। तो 2 × ICm कितना होगा, तो ICm होगा 2/5 mr² + m×d², ठीक। ये होगा नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये कितना दिया, ये दिया n × 10^-4 kg × m²,
तो यहाँ से ये एन की वैल्यू जो है वो आपको फाइंड करनी है, ठीक है। डी कितना होगा, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वही ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, ये होगी कितनी, ठीक है। तो कोई मुश्किल नहीं है इसमें, अगर आप इस पूरी लाइन को मिला दोगे तो ये डायगोनल है, ठीक है। ये पूरी लाइन क्या है, डायगोनल। तो ये जो डिस्टेंस होगी ये डायगोनल का हाफ है। डायगोनल कितना होगा, तो अगर साइड ए है इस स्क्वायर की, साइड ए है तो डायगोनल होता है ए रूट टू, तो ये होगा ए रूट टू बाई टू, तो ये हो जाएगा ए बाई रूट टू, ठीक है। तो डी की जो वैल्यू आ गई वो आ गई ए बाई रूट टू, ठीक है। तो अब सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं, अब सिर्फ कैलकुलेशन है और ज़्यादा कुछ नहीं है। अब इसमें 4y5 mr स्क्वायर ये, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y5 mr स्क्वायर ये हो जाएगा, तो ये आपका होगा 8/5 mr स्क्वायर प्लस 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m इंटू डी स्क्वायर, और d की वैल्यू कितनी आई है, तो d की वैल्यू आई है आपकी a बाई रूट टू का होल स्क्वायर, तो ये आपका आ गया 8/5। मास कितना है, मास दिया है हाफ के जी और डायमीटर दिया रूट फाइव, मास दिया है हाफ के जी और डायमीटर दिया रूट फाइव, तो रेडियस आपका हो जाएगा रूट फाइव बाई टू, और ये सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10^-2 का होल स्क्वायर, ये रेडियस बन गई, ठीक है। प्लस 2, मास कितना दिया है, मास दिया है हाफ, साइड कितनी दी है स्क्वायर की साइड, तो वो दिए 4 सेंटीमीटर, तो ये आपका हो गया 4/√2, और इंटू सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10^-2 और उसका होल स्क्वायर, ठीक। और ये सब वैल्यू ऐड करके कितनी आनी चाहिए, n इंटू 10^-4 आनी चाहिए, हमें n की वैल्यू यहाँ से चाहिए, बस कैलकुलेशन करनी है, अब ज़्यादा कुछ है नहीं। ये 2 से कैंसिल करेंगे 4 टाइम्स, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपका हो गया 4/5 इंटू, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 5/4 इंटू 10^-4 प्लस, यहाँ कितना आने वाला है, तो 4 का स्क्वायर होगा ये 16 और रूट 2 का स्क्वायर होगा 2 इंटू 10^-4, तो ये और यही किसके बराबर है, n इंटू 10^-4 के बराबर है, ठीक है। 10^-4 कॉमन लेके इस 10^-4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4 से 4, 5 से 5 इस तरफ आया ये 1, और ये 2 से कैंसिल करेंगे 16 8 टाइम्स, और 8 और 1 9, यानी n की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 9 यूनिट्स, क्लियर। होपफुली बेंजामिन को समझ में आया होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड करेंगे। जैसे मान लिया कोई डिस्क्रीट सिस्टम है, ठीक है, इसमें कई सारे पार्ट्स हैं और किसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है, तो हर पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करो आप उस एक्सिस के अबाउट, और उन सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर दो तो आपको नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने इस स्फीयर का निकाला इसी एक्सिस के अबाउट, फिर इस स्फीयर का निकाला इसी एक्सिस के अबाउट, इस स्फीयर का निकाला इसी एक्सिस के अबाउट, और इस स्फीयर का निकाला इसी एक्सिस के अबाउट, और इन चारों को मैंने क्या किया, ऐड कर दिया, तो वो क्या मिल गया आपको, नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इन दोनों का तो डायरेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये डायमीटर से पास होने वाली एक्सिस है, तो सिंपली 2/5 mr स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन ये जो स्फीयर है इसके लिए डायमीटर से पास नहीं कर रही है, लेकिन हम एक ऐसा डायमीटर जरूर कंसिडर कर सकते हैं जिसके पैरेलल हो गई वो एक्सिस, और क्या लगाएंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, क्लियर।